वाराणसी टेंगरा मोड़ स्थित एक ट्रक से तमंचा दिखाकर 55,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी लगभग 5 से 6 अभियुक्त फरार हैं। दोनों अभियुक्तों के पास एक तमंचा सहित कुछ नकदी रुपया व एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। दो अभियुक्त को पकड़ा गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से पकड़ा गया है। उनके पास से वो जो असला था वो बरामद हुआ है और कार्टेज उसका बरामद हुआ है और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। क्या इनका कोई इतिहास रहा है इसपुर में या कहीं काम करते रहे? इन दोनों का तो अब तक पूछताछ में कोई इतिहास निकला नहीं है, लेकिन इनके साथ घटना में 6 लोग और थे, वो भी चौबेपुर के रहने वाले हैं। उनका अपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं और PCR इनका लेके इसमें और हम इसमें पूछताछ। क्या करते हैं लोग? इनमें से एक विकास यादव जो है वो नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। सर, कुछ इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये लोगों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया? क्या गैंग बना के ये लोग काम करते थे? ये मूलतः शौक के लिए इन्होंने ये सब किया है और हाईवे के आसपास रेकी करते हैं, जहाँ भी ट्रक वगैरह रुकता है ये अपना गैंग है इनका साथ है। लोगों का बाइक पे जाते हैं और जहाँ भी कोई ट्रक खड़ा होता है अकेले में उसको डरा धमका के तमंचे के दम में उसे लूट करते हैं। सर, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या और इतने लोग हैं तो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे आप लोग? बिल्कुल, इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई होगी और जैसा आपको मैंने बताया कि अभी इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके लिए लोगों का PCR लिया जाएगा और जो इसमें वांछित है उनको हम गिरफ्तार करके उनका भी हम इतिहास निकालेंगे और उसके बाद गैंगस्टर कम करेंगे। पढ़ाई लिखाई कुछ इनमें से जैसे अगर आप देखेंगे प्रोफाइल तो सारे नौजवान हैं, 20 से 30 साल की उम्र के हैं और पढ़ने वाले हैं, कुछ इंटर वगैरह हैं और बाकी जो अपराधी हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया नहीं है। PCR लेके उन लोगों के बारे में हम और उनको मालूम करेंगे और जैसे उनकी बरामदगी होगी उन्हें पकड़ा जाएगा, उसके बाद हम जो है आपको आगे जो बता पाएंगे। पुलिस टीम को इनाम नाम इसकी चीज़ के लिए पूरी टीम को जो है 10 लाख का इसमें नाम दिया जाएगा।